गुड मॉर्निंग महेश भाई। गुड मॉर्निंग वीरे, गुड मॉर्निंग। कितना सारे बढ़िया, आपा भी बहुत बढ़िया। क्या है कि हमने जो सोचा था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, वैसा हो नहीं पाया है भाई। क्योंकि नींद का आगोश था। गलती से वो 4 या 5 बजे का एक अलार्म बजा, इसने बोला तू चीटिंग करता है, रोज तेरा अलार्म जल्दी बज जाता है। तो फिर उसके बाद 6 बजे इसका अलार्म बजा, तब मैंने कहा ओह स्नूज नहीं करेंगे, आज स्टॉप करेंगे, क्योंकि 11 बजे का चेकआउट था। तो हमने सोचा कि आज कम से कम अब आए हैं तो इस जगह का आनंद लेके जाएंगे, और होटल का पूरा पैसा दिया है तो चेकआउट टाइम पे ही निकलेंगे। इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा वॉक वॉक यहाँ पर कर लें और थोड़ा सा एंजॉय करके फिर निकले, क्योंकि दमन बार बार तो आना होता नहीं। और बॉम्बे के हिसाब से वेदर अभी बहुत अच्छा है ना, अगर बॉम्बे में इसी टाइम पे गर्मी लग रही है, इधर थोड़ा प्लेजेंट है, अभी प्लेजेंट है। और मेरे को लग रहा है आज जो हमारी राइड होने वाली है उसमें बहुत गर्मी लगने वाली है, इसीलिए हमने बोला कि हंसी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या दो में से ना एक चीज का तो सेक्रीफाइस करना ही था आज, या तो नींद का या गर्मी का। तो हमने आज गर्मी का, क्या है वो थोड़ा सा ना अंदर वैसे स्टीम वाला बात भी तो मिलेगा ना, वो भी तो फ्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। जब ऑप्शन हाथ से निकल जाता तो आदमी ऐसी बातें करते हैं। थिंक पॉजिटिव ब्रो, थिंक पॉजिटिव। चलो बाय बाय, निकलते हैं, रेडी होते हैं। चलिए जी निकल गए हैं वापस मुंबई के लिए। मुंबई की सड़कें, दमन में आके एंजॉय तो किया जी हमने, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर सुबह का फील अलग और शाम का फील जो है, शाम तो शाम है यहाँ की। सुबह तो ऐसा लगता है कि कोई धंधे वंदे वाली जगह पर आ गए हो, मतलब काम धंधे चलते हैं यहाँ पर, कमर्शियल ज़िंदगी वही रोजी रोटी कमाने का, पर शाम होते होते तक सब ऐसे माहौल ही बदल जाता है यहाँ का। जी अच्छी बात है, बाकी अच्छा लगा, आएंगे 2-4 दिन रुक सकते हैं, मतलब आके रिलैक्स हो सकते हैं यहाँ पर, वैसा है माहौल यहाँ का। गुजरात पुलिस स्टेट ट्रैफिक, जिंदगी का भी नहीं है। एक गलती कर ली है जी, ग्लव्स नहीं पहने, तो ग्लव्स पहन लेते पहले। और यहाँ से रह गया जी कुछ 126 किलोमीटर, और फुल ट्रकों का सामना करते हुए निकलना है हमारे को। पेट्रोल भी भरा लिया हमने, देखो जी ई से एफ पे पहुंच गया हूँ। राइड करते टाइम ऐसे गियर हो जाते ना तो मज़ा आ जाता जी। चलो जी अब खींच देने हैं जी गड्डी, गड्डी खींच देने हैं। बाकी धूप तो बहुत हो गई और ट्रक ऐसे भर के हैं यहाँ पर, अब देखते हैं मुंबई में एंटर करते हुए ये ट्रक हमारा क्या हल करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा। जब तक ऐसा हाईवे है तब तक तो मज़ा लेते हैं और आपको भी दिलाते हैं मज़े 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 मज़े। तो हम जो जगह पर रुके हैं वो नूर पिछले 2 बार ट्राई कर चुका है, पर ये कभी खुला नहीं होता, शायद कोविड की वजह से। उस कोविड की वजह से ही था। तो हम रुके हैं जी पारसी डेयरी फार्म, जो यहाँ पर खुद का पनीर बनाते हैं, इसलिए हमने पनीर भुर्जी ऑर्डर किया। और बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर ऐसे, मतलब और प्रॉपर लंच करने वाली जगह है, मतलब आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। देखो दिखाता हूँ, फुल ऐसे वाइब है। ये तो अच्छा है कि इत्तेफाक से हम यहाँ पर रुक गए और हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं। तो और हाईवे पे ना ऐसी वाइब वाले रेस्टोरेंट बहुत ही कम है। हाँ, यानी मुंबई के आसपास पहुंचोगे तब आ जाते हैं, फिर गुजरात में एंटर करोगे तो भी आ जाते हैं। हमारा खाना वाना हो गया जी, आपको रेकमेंड करूंगा पारसी डेयरी फार्म, और जो लोग यहाँ पर खा चुके हैं वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पनीर बहुत ही बढ़िया था सही में, डेयरी फार्म है। चलो जाजा बाय बाय, चल मेरे दोस्त बैठ जा। चलो जी अब निकलते हैं जी, 3 घंटे का रास्ता है अभी भी और गर्मी बहुत ही बढ़ गई है, उसमें आपने जैकेट पहन रखी है तो आप सोच लो आपकी हालत क्या हो रखी होगी। तो यही है, चला चला चला। कितने किलोमीटर रह गए हैं अभी बोर्ड पे दिखेगा आपको, 156 किलोमीटर। मुंबई सेंट्रल तक तो जाना नहीं है, उससे पहले ही है हमारा काम हो जाएगा। बियर शॉप, डोंट ड्रंक एंड ड्राइव, समझे, चुपचाप चलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है यहीं। ये देखो जी मुंबई रह गया जी 60 किलोमीटर और ट्रैफिक, यानी कि ये समझ लो कि मुंबई में एंटर कर चुके हैं, अभी दहिसर है कुछ 20 किलोमीटर और ट्रैफिक ऐसे बढ़ गया है। जो अभी तक चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था वो अब ऐसे स्ट्रगल हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब ब्रेक और क्लच का गेम शुरू हो गया है। निकालो जी निकालो, बस लड़ते हैं थोड़ी देर और, 1 घंटा और लगेगा हमारे को पहुँचने में।
देखते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, ये देखो ना उस साइड में क्या खतरनाक चल रहा है और हमारी साइड में भी है बट उतना नहीं है, आगे चल के बुरा हाल होने वाला है। मुंबई 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 मेरे दोस्त, मुंबई में आ गए हम। ये है मुंबई की खासियत मेरे दोस्त, रुक जा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मोहब्बत क्या बात है जी, क्या बात है, कितना प्यारा प्यारा ड्राइविंग है, छोटे छोटे ट्रक है, क्या बस साइड से निकाल देंगे ऐसे करके क्या। कुछ लोग तो गाड़ियां लगा के भूल गए हैं जी, तो जी ट्रैफिक से डर लगता है यार, मोहब्बत से नहीं लगता, ट्रैफिक से लगता है, राइड से नहीं लगता, ट्रैफिक से लगता है। ये जिंदगी काफी नहीं है, पहले ट्रैफिक से निकलते हैं जी, जूझते अरे ये जिंदगी काफी नहीं है, क्या बात है जी। ये होते हैं तरीके जिसे बोलते हैं इंडिया का जुगाड़, यहाँ पर चलाना ही पड़ता है अगर ट्रैफिक से बचना है तो। देखो तो सही क्या ट्रैफिक है यार, काही ट्रैफिक है भैया, चला 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 शाश मादर। 10 मिनट स्लोअर था और ऐसा ऊपर हमने ब्रिज के ऊपर अपना ब्रिज बनाया, उसके बाद हमारे को ये सड़क मिल गई है जी। अब जिंदगी हमारी थोड़ी सी खुशहाल है और खुशहाल है इस चक्कर में हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, पर मतलब इतना सा झेला जाता है, वो देख रहे थे ना आप, मतलब एक घंटा समझ रहे हो कि हमारा लग गया था, अब हमने कम से कम अपना आधा घंटा बचा लिया है। अरे चचा 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 जान दो, चचा जान दो क्या हमारी। पहुंच गए जी, पहुंच ही गए, क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो, पहुंच ही गए। ओहो हो हो, शुक्रिया, थैंक यू बंजारन, बहुत गर्म होगी तो ठंडी हो जाओ। ये ब्रो ये चला चला हमारा घर, हमारा घर हमारी दुनिया, खिड़की खोल दें। देखो जी दिन से हो गई है रात, क्योंकि आते ही जो ट्रैफिक से हम जूझ के आए थे ना उसकी वजह से सोना पड़ गया, और अभी बज गए हैं रात के 11:30 और 12 बजे तक हमारे को पहुंचना है हमारे दोस्त के पास, क्योंकि उसका है हैप्पी बर्थडे टू यू, इनकी हैप्पी बर्थडे मतलब बर्थडे है उसका, तो उसका बर्थडे विश करने के लिए उसको जाना पड़ेगा, और दोस्तों का 12 बजे उसके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जय जय द सिंगल मतलब 503 नीचे पहुँच रहे हैं, वो आएगा और फिर हम निकलेंगे फटफट भाग रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में है, किसका बर्थडे हो तो आपको पता लग ही गया आएगा, पर फिर भी निकलते हैं। जय द सिंगल जय द सिंगल, पहले हमने सोचा था आर्टिफिशियल मिलेंगे, फिर हम दोनों भूल गए ब्लॉग बनाते हुए, महीनों से नहीं मिले मतलब लड़का सिक्किम जाके गौचाला पहाड़ चढ़ गया तो अच्छा लग रहा है कि दोस्त को अभी जाके सरप्राइज देंगे, क्योंकि सलीम बोलता है 12 बजे से केक कट जाना चाहिए, कट कट जाना चाहिए, एकदम ऑन पॉइंट है 12 बजे और खटक। ये हमारे ऑटो वाले थोड़ा धीरे चला रहे, सीधा चलाओ सीधा 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 सीधा, तो इस तरीके से हम लाइट दे रहे हैं इसको, ये मोबाइल से लाइट, टाइम ही नहीं था ना हमारे पास, लेट हो गया हम, फटाफट भाग रहे हैं, चलो 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 लेके चलते हैं, डन डन। तुमने साला हरामी केक काट दिया, तुमने बोल ही रहा था कि हरामी कुत्ता,
चल चल कट 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 लगता तुम पे कमाल है, ये तोहफा नहीं सवाल है क्या सवाल। अरे तू कहाँ पहाड़ चढ़ के आया कि शहर बन के आया भाई हमारी वेनम भाई गाने वाली ओके ओके चल जा 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 कट 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 मेरा बंद मेरा बंद मेरा बंद कर मैं काट दूंगा नहीं तो अरे काटो यार काटो यार तुम चलिए बाद में करेंगे दो अभी ड्रीम इलेवन पे टीम बना ले। अरे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे जल्दी काटो ये ब्रो केक मिलेगा मैं खिलाता हूँ तेरे को तो हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे बाबा ठीक है जी हम तुझे अपना ख्याल रखो बाकी सब भी अपना ख्याल रखेंगे और चलो फिर रब रखा जी रब रखा